याद रख, जिसे तू धकेल रहे ना उसी ने गौरी की जान बचाई है आज। हमें यही समझ में नहीं आता, तुम हमेशा सही समय पर सही जगह कैसे पहुंच जाते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी जान बचाने के चक्कर में तुम ही इसकी जान जोखिम में डालते हो ताकि इसके सामने हीरो दिख सको? अगर ये हादसे के बजाय साजिश निकली ना तो अपने आखिरी दिन गिनना शुरू कर देना योग। पूरा बनारस जानता, कर चाल साजी हमारे नहीं तेरे खून में। तुम ठीक हो? अरे बाबू रानी, तुम ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं? अरे बाप रे, ये सब कहाँ हो गया? ये कुकर फटा कैसे? बचते जाओ गौरी, कब तक बचोगी? जब तक तुम बचते जाओगी हमारा वार और भारी होता जाएगा और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम खत्म नहीं हो जाती। मुझे नहीं करनी है ये शादी। अरे काहे नहीं करनी है तुझे शादी? हाँ, ये तो तेरी खुशनसीबी है और हमारे अच्छे कर्मों का फल जो तुझे मिल रहा है। जो दीदी इतने बड़े घर में तेरी शादी कर रही है, देख लियो, जब तेरी शादी होगी ना इतने बड़े घर में तो एकदम फिल्म सितारों वाली शादी होगी तेरी। और तो और, हमने सोच लिया है कि मीडिया वालों के सामने ना लंदन धमकता पे डांस भी करूंगी मैं तो। और तेरे वहां जाने से दीदी का बिजनेस बढ़ जाएगा और तुम्हारी वजह से अगर दीदी का बिजनेस बढ़ जाएगा तब तो इस घर में हमारा दबदबा भी बढ़ जाएगा। फिर तो हम दीदी को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। हाँ देख बेटा, बात सिर्फ पैसों की नहीं, ये लोग भी अच्छे लोग हैं और तुम तो समायरा को बचपन से जानती हो ना। अब देख उसका व्यवहार कितना अच्छा है, अब जब उसका व्यवहार इतना अच्छा है तो उसके भाई का व्यवहार कितना अच्छा होगा। इस मौके को हाथ से मत जाने दे बेटा, हाथ से मत जाने दे। अब देख, तेरी शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। और इस रिश्ते की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि हम लोग उन्हें बहुत पहले से जानते हैं, वो अच्छे लोग हैं। और कल थोड़ी तेरी शादी हो रही है, अभी तुम लोग एक दूसरे को देख लो, मिल लो, समझ लो, फिर करेंगे शादी की बात। पर पापा, अगर मुझे शादी करनी नहीं तो क्या ये मिलना जुलना? तो क्या पागल हो गई है तू? हाँ शादी नहीं करनी है? अरे गहने मिलेंगे, महंगी महंगी साड़ियाँ मिलेंगी, इतना अमीर ससुराल है, नौकर चाकर और पता नहीं क्या क्या सब। सोना निका, तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम तो तेरी शादी करके रहेंगे, समझी? हद हो गई है इसकी। अब अरे क्या हुआ अनिका? भाभी हुआ क्या है, तुम इतना रो क्यों रही हो? भाभी मुझे ये शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों अनिका? आप भाभी, आप ये बात किसी को नहीं बताओगी ना? पक्का, हम किसी को नहीं बताएंगे। भाभी मैं, मुझे कोई और पसंद है भाभी। तो इसमें कौन सी ना बताने वाली बात है? अगर किसी से प्यार करती हो
तो घर में बताओ, तुम्हारे गर्व भैया, मामा जी, मामी जी सब समझेंगे? वो लोग नहीं समझेंगे भाभी, वो लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि वो लड़का अमीर नहीं है, वो कुछ काम नहीं करता है और फिलहाल सिर्फ अपने यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। और आप तो जानती हैं ना शकुंतला बुआ को, जो लड़का अमीर नहीं है वो उनके लिए इंसान नहीं है। तुम्हारे गर्व भैया से बात करो, वो इस घर में सबसे अलग है, समझ जाएंगे। मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकती हूँ भाभी, अगर अगर गर्व भैया भी नहीं माने तो मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पता नहीं मैं क्या करूँ, मैं उन्हें नहीं बता सकती हूँ भाभी, कहीं कहीं मेरा प्यार ऐसे ही आधा अधूरा रह गया तो। भाभी आप कुछ करिए ना। अनका, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे गर्व भैया से हम बात करेंगे। सच में ना भाभी? सच्ची। चलो अब रोना बंद करो। कहाँ हो तुम गंगा? गंगा जितनी जल्दी हो सकता है घर वापस आ जाओ। मतलब गंगा दीदी घर पर नहीं है? क्योंकि अगर किसी को पता चल गया ना कि तुम मंगल के साथ हो तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। मतलब युग को गंगा दीदी और मंगल जी के बारे में पता था? नहीं, युग जानता था कि गंगा दीदी मंगल जी से छत पर मिलने गई थी। ये सब क्यों कर रहे हो तुम युग? क्या किया हमने? सच सच बताओ, तुम गंगा दीदी और मंगल जी को मिलवाने की कोशिश कर रहे हो ना? तुम जानते हो ना कि दीदी की तुमसे शादी हो चुकी है, चाहे दुनिया वालों को दिखाने के लिए ही, लेकिन वो तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाती है। उस सिंदूर को ताक पर मत रखो युग। तुम भी अच्छे से जानती हो गौरी कि रिश्ते सिर्फ प्यार से निभाए जाते हैं, इन रस्मों से नहीं। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये सब तो तुमने भी पहना है, तो क्या तुम घर से प्यार करती हो? नहीं, ये सब सिर्फ एक मजबूरी है तुम्हारे लिए, तो तोड़ दो ये मजबूरी का रिश्ता गौरी और जोड़ लो हमसे प्यार का रिश्ता। फिर गंगा मंगल के साथ होगी और तुम हमारे जरा सोचो। अरे इन ख्यालों को सुनने के बाद हमारा तुमसे बात करने का मन नहीं कर रहा है। गंगा दीदी को फोन लगाओ, हम उनसे बात करेंगे। नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम खुद लगा लेंगे। फोन दो। नहीं देंगे गौरी। युग फोन दो। गौरी हमारा फोन छोड़ो। Mana, 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 mana
गर्व जी प्लीज हमारी बात सुनिए गर्व जी हमारी बात सुनिए, जैसा आपको दिखा वैसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है? कैसा है? पहले तुमने बोला कि जो लोग बोल रहे हैं उन पर भरोसा मत करो, अब तुम बोल रही हो जो मैंने देखा उस पर भरोसा मत करो। तो किस पे भरोसा करूं? तुम पे, जिसकी सबसे पसंदीदा जगह युग की बाहें है। अरे पहले तो तुम लोग छत पर मिलते थे चोरी चोरी, और अब सीधा उसके कमरे में उसके बिस्तर। हमारी बात समझी, हम वहां पर दीदी की बात करने के लिए गए थे, हमारा पैर फिसला और तुम उसकी बाहों में गिर गए। यही हुआ था ना? वो जगह जो तुम्हारे दिल के सबसे ज्यादा करीब। बस कीजिए गर्व जी, बस कीजिए। ये बात बोलने से पहले एक शादीशुदा औरत की मर्यादा मत भूलिए। मैं भूल रहा हूँ मर्यादा तुम्हें सीखनी चाहिए गौरी। एक शादीशुदा औरत होकर उस युग के पास जा रही हो तुम अपनी मर्यादा भूलियो, मैं नहीं। अरे मैंने हम दोनों के रिश्ते को अच्छा करने के लिए क्या क्या नहीं किया, अकेला खड़ा रहा तुम्हारे साथ अपने पूरे परिवार के सामने। मैं इसका पति हूं, से सवाल जवाब करने का हक सिर्फ मेरा और किसी का नहीं। अरे अपनी माँ तक से लड़ गया मैं तुम्हारे लिए। लेकिन सच्चाई तो फर्क नहीं पड़ता मॉम, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। बदले में मुझे क्या मिला, क्या दिया तुमने? ये मैं समझ नहीं आता, युग के पास तुम्हारा जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम जब जब उसके पास जाती हो ना मेरे दिल को चोट पहुंचती है। मैं समझ नहीं आता क्या, तुम जानती हो क्यों होता है? जानती हो क्यों होता है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार। सब ठीक तो है ना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हारे प्यार और भरोसे का गलत फायदा उठा रहा है। मैं तो पहले से जानती थी कि तुम जैसे सीधे साधे लड़के का गलत फायदा उठा रही है लो क्लास लड़की। बट डोंट वरी, जब सब साथ छोड़ देते हैं ना तो दोस्त साथ देते हैं, और मेरे होते हुए तुम्हें अपना मूड खराब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, चले? चलो। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सुमायरा, एक्चुअली ये सब का मेरा मूड नहीं है, और संगौरी के सामने मैंने ऐसे बोल दिया था, सॉरी। गर्व, सुमायरा मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। गर्व आ जाओ। सुमायरा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें वक्त की नहीं सुकून की जरूरत है, और रिलैक्स होने के लिए एक ड्रिंक। गर्व, हमारी दोस्ती की खातिर
सिर्फ एक ड्रिंक, उसके बाद चाहे तुम चले जाना। हाँ प्लीज। ओके। जाने क्यों हमें गर्व जी के समायरा के पास होने से इतना फर्क पड़ रहा है? क्योंकि तुम उनसे प्यार करती हो। नहीं, हमें उनसे प्यार नहीं हो सकता। लेकिन अगर प्यार ना होता तो ये जलन और ये बेचैनी भी ना होती। आज के बाद तुम उस गवार गौरी के नहीं बल्कि समायरा के गर्व कहलाओगे। आज मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी गर्व। तुम मानो या ना मानो, तुम्हें गर्व जी से प्यार है। और सिर्फ तुम ही नहीं, गर्व जी भी तुमसे प्यार करते हैं। इससे पहले कि तुम्हारा प्यार तुमसे छिन जाए, जाओ बचा लो अपने गर्व जी को समायरा से। अचानक से मुझे क्या हो रहा है? क्या हुआ गर्व? क्या बात है समायरा, तुम
तो बड़ी चालाक निकली। हमें लगा नहीं था कि ये काम करेगा, पर तुमने कर दिखाया। हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, तुम्हें जो करना था तुमने किया, अब हमें जो करना है वो हम करेंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.